हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू द क्लास सो लेट्स गेट स्टार्टेड सॉरी टू कीप यू वेटिंग प्लीज लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल एंड एवरीथिंग इज़ फाइन हेलो अंजली हेलो सिंटू हेलो नोकना लोकनायक ऑल इज वेल थैंक्स आशीष चलिए शुरू करेंगे एंड वी आर रियली सॉरी टू कीप यू वेटिंग लेट्स बिगिन द क्लास क्या टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो लेट्स हैव अ लुक टू द टॉपिक्स व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क इंडिया की पहली ऐसी ऑटोमोबाइल यूनिट को अनवील किया गया है महिंद्रा and महिंद्रा के द्वारा with the help of the Airtel जो इंडिया की पहली फाइव जी एनेबल्ड आटोमोबाइल यूनिट होगी तो वहाँ पे कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क या प्राइवेट फाइव जी इस तरह की टर्म्स न्यूज़ में है इसको समझेंगे और इसका इंडस्ट्री फोर से क्या लिंक है क्योंकि तो बहुत सारे देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसको अप्लाई कर दिया है जर्मनी में आप देखोगे जैसे फॉक्सफॉगन है बी है इस तरह की जो एम एन हैं वो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रही हैं तो इंडिया के परस्पेक्टिव से मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी उसको भी आइडिया लेंगे ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में है तो इसको लेके न्यूज़ है और ब्लैक बक के बारे में जानेंगे ब्लैक बक तो आई थिंक आपने सुना होगा काफी इश्यूज में रहा था देन वी हैव अरीबादा इन ऋषिकलिया ऋषिकलिया रिवर है और uh, इस पर भी चर्चा है अरीबादा ऑलिडले टर्टल्स है हर साल एक न्यूज रहती है इनकी एलोपैट्रिक डाइवर्जेंस ये एक बहुत अच्छा ये एक टॉपिक है प्रबलम्स के लिए ही है आज ज़्यादातर टॉपिक आप देखोगे एम आर एन ए वैक्सीन है क्वांटम कंप्यूटिंग है प्रोहिबिशन ऑफ लिकर ये जो बिहार के अंदर हुच ट्रेजडी हुई उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को देखेंगे हाँ एल्कोहल जो प्रोडक्शन है कैसे हो रहा है जैसे आप देखोगे फर्मेंटेशन भी है डिस्टिलेशन भी है वो और फिर कैसे ये जो हुजडी है इसको रोक सकते हैं है ना ये जो स्पूरियस लिकर है गंदी शराब जो है इसको पीने से जो मौत हो जाती है लोगों की उसको कैसे रोका जा सकता है चलिए शुरू करते हैं दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आदमी सो ये आपका टेलीग्राम चैनल है इसको टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना सेशन का पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाता है इसके अलावा जो फ्री स्पेशल क्लास है उसके लिंक आपको यहाँ मिलते हैं क्लियर तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है टेलीग्राम पे अपडेट हो जाती है इसके अलावा अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हो सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपको कोड यूज़ करना है आर टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस ये टेलीग्राम चैनल वापस से आपका शेयर कर दिया गया है शुरू करें साइंस एंड टेक पे भारतीय एयरटेल और टेक महिंद्रा क्लेम इंडिया फर्स्ट फाइव जी अनेबल्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया की पहली फाइव जी अनेबल्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एयरटेल का बहुत स्मार्ट मूव है और इसको कंपेयर भी किया जा रहा है हालांकि जो बिजनेस सर्कल्स है वहां पर कि अडानी को इन्होंने थोड़ा सा एक वो दिया है खैर हमारे लिए जो यहाँ पे जानने वाली बात है वो ये है कि ये जो फाइव प्राइवेट नेटवर्क होते हैं है ना कैप्टिव नॉन पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क होते हैं ये क्या होते हैं तो इन्होंने क्या किया है एयरटेल की सर्विसेज यूज की हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो व्हीकल बनाने वाली मैन्युफेक्चरिंग फैसिलिटी है महाराष्ट्र के अंदर वहां पे इन्होंने ये डिप्लॉय किया है कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क तो देखो बहुत ही सामान्य शब्दों में इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो प्राइवेट 5G यूज कर रहे हो मतलब आपको 5G की सर्विसेज स्पेशल स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रमोकेशन दिया गया है आपकी पर्टिकुलर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो केवल उसी के लिए आप यूज कर सकते हो है ना तो उसपे क्या होगा स्पीड बहुत ज्यादा आएगी सिक्योरिटी बहुत अच्छी आपकी रहेगी स्पीड बहुत ज्यादा होगी मतलब लेटेंसी बहुत कम रहेगी और रियल टाइम में चीजें हो सकती है क्लियर जैसा आप देखोगे ये क्या कर रहा है टू डेडिकेट अ बैंड विद फॉर अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी यूज लेटेंसी कम होने का मतलब है पहले डेटा इस तरह से जाएगा फिर आएगा तो वो जो टाइम लैग है टाइम लैग है कई बार आप अपनी स्पीड टेस्ट करते हो ना किसी भी उस पर तो वहाँ पे एक आता है अपलोड स्पीड डाउनलोड स्पीड उसके अलावा एक पिंग आता है है ना कितना आ रहा है अच्छा पाँच पाँच एम है दस है या तो वो वो लेटेंसी uh, को बता रहा है वो जितना कम होगा उतना अच्छा है लेटेंसी जितनी कम होगी उतना अच्छा है तो ये कह रहा है बहुत ही कम लेटेंसी यहाँ पे होगी अल्ट्रा रिलायबल ये नेटवर्क रहेंगे और इस तरह से जो सर्विसेज हैं इनको यूज़ किया जा सकता है एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क इन्होंने सेट कर दिया फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और स्पेसिफिक यूज है ना तो इसको इन्होंने कैप्टिव वायरलेस प्राइवेट नेटवर्क और ये कहा है और इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है क्लोज है हाई फ्रिक्वेंसी है लो वेव लेंथ एयरवेज हैं इसकी क्लियर और इसके अंदर आप देखोगे कि स्पीड बहुत ज़्यादा है इंप्रूव स्पीड बहुत ज़्यादा है जैसे ये कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि जो सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग होती है कोई भी गाड़ी बन के आती है आज हर जगह पे इतने सारे उसके अंदर है ना आ, इंटीग्रेटेड चिप्स हो गई या बहुत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतने होते हैं हर चीज़ रिमोट से हो रही है ऑटोमेटेड हो रही है है ना टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है अपने आप हो रहा है तो बहुत सारी ऐसी चीजें लगी होती हैं जिसमें सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना बहुत सारी ऐसी होती तो है ये जो लास्ट uh, के अंदर सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग का एक ऑपरेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इसको आप है ना पैरेलल कर सकते हो काफ़ी सारे है ना रियल टाइम में कर सकते हो ये एफिशिएंसी बढ़ गई इसकी बहुत तेजी से तो एक तरफ जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं ग्लोबल लेवल पे जो इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे उस में इसको यूज किया गया है तो स्पीड बढ़ाएगा और आप देखोगे विजन बेस्ड इंस्पेक्शन को बढ़ावा दे रहा है ना विजन बेस्ड इंस्पेक्शन को बढ़ावा दे रहा है तो इसमें क्या होगा या तो जो कंपनी है जैसे यहाँ पे महिंद्रा है तो वो या तो कोई भी जो सर्विस uh, प्रोवाइडर है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जैसे यहाँ एयरटेल है उससे या तो लीज पे ले लेगी क्लियर कि ये स्पेक्ट्रम हमें इतना दीजिए और हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे या फिर हो सकता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से भी ले सकती है डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट अपने खुद के कैप्टिव नेटवर्क को बनाने के लिए क्लियर हो गया तो ये तो हुआ एक इस पर थोड़ा सा और मैं बता दूंगा क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है लेकिन पहले ये जो यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट किया है इसके पॉसिबल यूज क्या है देखो आज जमाना चल रहा है रोबोटिक्स का इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आई होप इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा गैजेट जो इंटरनेट पे डेटा शेयर कर सकता है वो आपका हो सकता है हमारा स्मार्ट स्पीकर है एलेक्सा हो गया है ना या फिर कोई स्मार्ट कैमरा हो गया रेफ्रिजरेटर एनी थिंग कुड बी देयर है ना विच इज एबल टू शेयर द डेटा है ना ऑन द इंटरनेट वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो आज जो जिस तरह से हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटेड हो रही है है ना ऑटोमेटेड हो रही है मतलब कि हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा तो आप देखोगे जैसे सिम बेस्ड ऑथेंटिकेशन की ऑप्शन ये देता है नेटवर्क uh, कनेक्टिविटी पे अपना कंट्रोल है पूरी हाई स्पीड आपको कनेक्टिविटी मिल रही है तो जो भी सिस्टम है कोई लैग नहीं करेगा रियल टाइम में फुल स्पीड के साथ चीज़ें चलेंगी अवेलेबिलिटी कवरेज बाय द न्यू स्पेक्ट्रम बैंड क्योंकि ये स्पेक्ट्रम बैंड आपने अपने लिए खुद के लिए लीज़ पे लिए हैं फुल कंट्रोल ओवर द एंटरप्राइज ऑपरेटिंग प्रोसेस डेटा सिक्योरिटी अच्छी होगी क्योंकि बाहर से कुछ इस तरह से नहीं है तो आज साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बात करें उसमें भी थोड़ा अच्छा ये रहेगा लेटेंसी मतलब जो टाइम लैग है वो बहुत कम हो रहा है रियल टाइम में चीज़ें होंगी नेटवर्क कैन बी ऑप्टिनाइज फॉर द यूजर ग्रुप एप्लीकेशन आप जैसे भी उसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर सकते हो तो ये जो फ्यूचर है मैन्युफैक्चरिंग का जिसको हम इंडस्ट्री फोर या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर कहते हैं उससे रिलेटेड ये है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर जिन बच्चों को नहीं पता है औद्योगिक क्रांति सुना है ना तो जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी तो सबसे पहले यूके के अंदर हुआ ब्रिटेन के अंदर शुरू हुआ तो उस समय पे क्या हुआ स्टीम के इंजन का आविष्कार हुआ है ना मैकेनाइजेशन होने लग गया चीजों का पहले हाथ से धागा बुनते थे फिर स्पिनिंग जैनी है और ये आ, जो है मशीन्स वगैरह इस तरह से बुना जाने लगा है ना तो ये शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई उसके बाद क्या हुआ उसके बाद आप देखोगे सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ जिसमें प्रोडक्शन मास लेवल पे होने लग गया इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास आ गई तो प्रोडक्शन क्या फैक्ट्री में और मास लेवल पे बहुत सारा प्रोडक्शन एक जगह पे होना हो गया ये सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोलूशन थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोलूशन हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये टाइमलाइन लाइन भी दी है इसको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि थोड़ा अब इकोनॉमी से जुड़ रहा है लेकिन हर चीज को आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हो है ना इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन हैं यूपीएससी के द्वारा तो थर्ड रिवोल्यूशन है आज हम देखें आज हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर की शुरुआत हो चुकी है है ना साइबर फिजिकल सिस्टम है मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऑटोमेटेड हो चुकी है क्लियर मान लीजिए आपको कोई मशीन बनानी है लटस से या आपको ऐसा कोई मशीन का पार्ट बनाना है है ना या आप चाहते हो कि इस तरह की क्रॉकरी हम डिजाइन करें कुछ भी डिजाइन करें तो थ्री प्रिंटिंग के माध्यम से आप क्या करोगे ये मशीन है लटस से दिस मशीन इज देयर इसको एक कंप्यूटर से लिंक कर दिया अब कंप्यूटर में आपने डाल दिया मुझे ये शेप चाहिए ये शेप चाहिए या फिर मुझे कोई सेल्फी के रिगार्डिंग ऐसी सेल्फी बनानी है ना या ऐसा स्टेचू टाइप कुछ बनाना है कोई भी मोमेंटो या कुछ भी ऐसा है ना गिफ्ट आइटम हो गया या इवन क्यों ना फूड प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने स्पेशल साइज का केक डिज़ाइन करना है चॉकलेट है पेस्ट्री है कुछ भी हो सकता है है ना किसी कोई ऑर्गन या पार्ट से रिलेटेड चीज़ें हो गई कुछ भी हो सकता है उसको आपने यहाँ फीड किया इसके अंदर ये मशीन है अब मशीन क्या करेगी वहां से अपना ये लेते हुए इनपुट लेयर बाई लेयर उसको ऐड करेगी लेयर बाई लेयर ऐड करेगी और आपने जो यहाँ पे इनपुट डाला है जो इमेज वो की वो आपको बना के देगी अगर ये है तो ये बना देगी इस तरह से बनाएगी तो ये क्या हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर की शुरुआत हो गई जहां पर चीजें क्या है मैन्युफैक्चरिंग क्या ऑटोमेटेड हो रही है ठीक है ऑटोमेशन इज देयर सो इसमें क्या हो रहा है आपका लेटेस्ट स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है लार्ज स्केल मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है स्मार्ट कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं एक तरफ कंप्यूटर एक तरफ वो मैन्युफैक्चरिंग जो लेयर टू लेयर ऐड कर रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैंने बताया आपको कोई भी ऐसा गैजेट जो शेयर कर रहा है डेटा इंटरनेट पे तो ये सब चीजें uh, जो है अब चल रही हैं और उसी कॉन्टेक्स में अगर आप देखोगे कि ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रयास है है ना वो बहुत ही एक रिक्वायर्ड स्टेप है अदरवाइज इंडिया तो पहले ही एक साल डेढ़ साल हम पीछे चल रहे हैं है ना लास्ट ईयर न्यूज़ थी जर्मनी ने इस तरह से किया था तो ये ध्यान रहेगा आपको अब देखो इसमें और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे ये कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क तो हो गया है ना एक प्राइवेट आपने अपने हिसाब से वो फाइव का किया है अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये वन जी टू जी फोर जी फाइव जी ये क्या है तो देखो यहाँ पे वन जी जो है इसके अंदर केवल वॉइस कम्युनिकेशन था क्लियर टू जी आप देखोगे तो थोड़ा सा डेटा यहाँ पे आपको मिलता है और लेकिन वो बहुत लिमिटेड है ना बहुत लिमिटेड उसके अंदर थ्री जी कम्युनिकेशन के अंदर हमें वॉइस डेटा स्पीड ज़्यादा मिलती है लेकिन दोनों अलग अलग हैं अलग अलग हैं क्लियर फोर जी पर हम आते हैं तो हमें ऑप्शन मिलते हैं स्पीड भी ज़्यादा होती है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है जिसमें हम वॉइस और डेटा दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं ये है आपका वोल्टेज जिसे हम कहते हैं ठीक है ना वोल्टेज जो कम्युनिकेशन है ये हाई स्पीड पे है और वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन तो इसमें वॉइस भी जा रही है साथ में आप डेटा भी यूज करना चाह रहे हो तो वो डेटा भी रहेगा जबकि एल जो है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ये फोर के ही टाइप है फोर के ही टाइप है वैसे तो स्टैटिक पोर्शन में भी आप पढ़ते हैं बट टू मेक यू अवेयर कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है तो आप देखोगे एल लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है इसके अंदर क्या होगा या तो डेटा ही जाएगा या फिर वॉइस ही जाएगी वॉइस जा रही है तो फिर डेटा डेटा का इशू हो गया आप देखते होंगे ना कई बार आपने मोबाइल से फ़ोन इंटरनेट यूज़ करते हो जब आपकी कॉल चल चल रही है तो मोबाइल का इंटरनेट बंद हो जाता है समथिंग लाइक दिस तो इस केस में ऐसा रहेगा क्लियर समटाइम्स या तो ये वॉइस कॉल को सपोर्ट करेगा या डेटा को सपोर्ट करेगा जबकि वॉल्टी ये क्या है ये वॉइस को डेटा में कन्वर्ट करेगा इस तरीके से तो ये दोनों को सपोर्ट कर सकता है तो ये दोनों फोर के ही टाइप हैं एल टी है ना फाइव जी की हम बात करते हैं तो फाइव जी के अंदर जो स्पीड है मोर देन टेन टाइम्स आपकी रहेगी फाइव जी लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर और ये क्या करेगा ये एक पूरे उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेज इस तरह से हैं है ना तो फाइव जी जब इस तरह से आ, अच्छा पेनिट्रेशन हो जाएगा तो आप देखोगे चीज़ें चेंज होगी जैसे हमारा पढ़ने का तरीका ही चेंज हो जाएगा मे बी यू विल बी एक्सपीरियंसिंग ए काइंड ऑफ वर्चुअल क्लास रूम है ना विद द हेल्प ऑफ समथिंग लाइक वर्चुअल रियलिटी या फिर हम बात करें ऑगमेंटेड रियलिटी ये जो सब चीज़ें ठीक है अब इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है ट्राई टू अ लुक टू दिस क्वेश्चन रहा है आपको LTE और वॉल्टी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसमें डिफरेंस पूछा है ये आपका क्वेश्चन पूछा था आई एस में दो में तो क्या आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देखो एल टी इज कॉमनली मार्केटेड एज थ्री जी क्या ये थ्री जी की तरह मार्केट की जाती है एल टी को आप देखोगे वॉल्टी इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस्ड थ्री जी क्या ये थ्री जी की टेक्नोलॉजीज हैं तो आप कहोगे सर अभी तो हमने पढ़ा है ये फोर जी की है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है ना अभी अभी हम पढ़ गए हैं ना फोर जी की है फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया एल टी इज डेटा ऑनली टेक्नोलॉजी और वोल्टी इज वॉइस ऑनली टेक्नोलॉजी तो वोल्टे अभी हमने पढ़ा है कि इसके अंदर वॉइस जो होती है ये भी चल रहा है और डेटा भी चल रहा है तो ये क्या लिख रहा है ये लिख रहा है वॉइस ऑनली है तो ये गलत हो गया वॉइस ऑनली नहीं है इस पर डेटा भी है वो इसको डेटा में कन्वर्ट कर रहा है और दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली भी चल रहे हैं तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है व्हाट शुड बी द आंसर व्हाट शुड बी द आंसर बहुत सारे बच्चों ने किया एक इतने सारे बच्चे होते हैं लाइव है ना और आप आंसर ही नहीं कर पाते हो फटाफट से आंसर करो उसको और ये क्लास आपकी डेली बेसिस पे होती है ट्राई टू ज्वाइन दिस क्लास ऑन डेली बेसिस नोटिफिकेशन आपका आ जाता है हालांकि आज थोड़ा हम लेट हैं बट ये आपकी लगभग सवा सात बजे हमारी क्लास डेली स्टार्ट होती है ठीक है इंडस्ट्री फोर ये ध्यान रखना इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनेंगे नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज पे टॉपिक्स हैं और आप ये देखोगे राजस्थान सेंचुरी को प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट ई एस जेड श्रिंकिंग जो इको सेंसिटिव जोन है इसको श्रिंक किया जा रहा था आप देखोगे जो ये सेंचुरी है ये है ताल छापर सेंचुरी ताल छापर सेंचुरी है राजस्थान आप सभी जानते हैं स्टेट का नाम ध्यान रखना है है ना और अगर आप पर्टिकुलर स्टेट पी दे रहे हो जैसे किसी भी स्टेट का उड़ीसा का उड़ीसा का दे रहे हो या राजस्थान राजस्थान तो फिर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नाम भी याद रखने पड़ेंगे अगर आप उस स्टेट का पी नहीं दे रहे तो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे देखोगे राजस्थान में है और ये चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ठीक है तो अगर आपको पी स्टेट पी नहीं देना तो डिस्ट्रिक्ट का नाम रट्टा करने की जरूरत नहीं है उसको अननेसेसरी पेन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ आपको है कि हाँ मुझे यूपी का उड़ीसा का राजस्थान का कहीं का पीसीएस में दे रहा हूँ एपियर हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो फिर याद करना पड़े तो क्या हो गया राजस्थान में है ताल छापर ब्लैक बग सेंचुरी है ब्लैक बग्स क्या होते हैं काले हिरन भी इनको कहा जाता है और काले हिरन शिकार मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था कॉन्ट्रोवर्सीज थीम्स पे तो ब्लैक बग जो है आ, इस इंडियन एंटीलॉप है और नेटिव है इंडिया का नेपाल का क्या क्या याद रखना है देखो कोई भी स्पीशीज हो कोई भी जानवर हो जो न्यूज में है बर्ड है तो उसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है एक तो इसका क्रिएट परसेप्शन क्या है है ना थ्रीड परसेप्शन मतलब इस जानवर को कितना खतरा है तो वो बताती है आईयूसीएन की रेड लिस्ट तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न है मतलब अभी कोई इतनी खतरे वाली इसकी बात नहीं है लीस्ट कंसर्न है अगर कोई क्रिटिकली एंडेंजर है तो वो सबसे ज्यादा खतरे की लिमिट है उसके बाद वो फिर एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट होगा है ना पहले वाइल्ड में एक्सटिंक्ट होगा फिर पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा जैसे आज डायनासोर है तो ये धीरे धीरे क्या है थ्रीड परसेप्शन बढ़ रहा है तो ये लीस्ट कंसर्न है और इसको प्रोटेक्शन किसमें दिया गया है इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके शेड्यूल में इसका प्रोटेक्शन है मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपने इसको दे रखा है इसकी हंटिंग पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है मैक्सिम प्रोटेक्शन आपने इसको दिया है और क्या ध्यान रखना है ये तो हो गया इसके थ्री परसेप्शन प्रोटेक्शन के बारे में फिर है इसका हैबिटेट कहा मिल रहा है कहाँ का नेटिव है नहीं है तो इंडिया का नेटिव है नेपाल में भी हालांकि एक प्रोटेक्टेड एरिया में मिल रहा है बाकी तो खत्म है बांग्लादेश पाकिस्तान में भी इस तरह से जा चुका है एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया में मिल रहा है कुछ प्रोटेक्टेड एरिया में जैसे यहाँ ताल छापर सेंचुरी है ग्रास लैंडस और ग्रासी प्लेन्स हैं तो आप देखोगे कि वहाँ पे इसका नेचुरल हैबिटेट देखने को मिलता है आ, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मेनली एक्टिव रहता है डे टाइम पे या ना तो नॉक्टर्नल नहीं है रात्रिचर नहीं है ये ध्यान रख लो तो ये जो ब्लैक बक है इसके प्रोटेक्शन के लिए ये ताल छापर सेंचुरी बनी हुई है और ये थार डेजर्ट के अंदर है मतलब जो इकोसिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है बिल्कुल डेजर्ट के अंदर ये सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया बना रखा है ये जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे थ्राइव कर रही है इसके अलावा कुछ रैप्टर स्पीशीज हैं यहाँ पे है यह ना रैप्टर हो गए जैसे आपके जो ईगल होते हैं वल्चर होते हैं आउल होते हैं क्लियर ये सब रैप्टर्स में आते हैं तो इन ये भी काफी सारी स्पीशीज इस सेंचुरी में आपकी मिलती है और लगभग चार हजार ब्लैक बर्ग्स हैं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पे कर क्या रहे थे स्टेट गवर्नमेंट चाह रही थी अंडर द प्रेशर ऑफ वॉट माइन ऑनर्स स्टोन क्रशर ऑपरेटर्स उनकी तरफ से प्रेशर था कि आप ये इकोसेंसिटिव जोन को कम करिए ताकि हम मिनरल्स और ये जो भी है माइनिंग वगैरह कर सकें तो उस प्रयास को सुप्र यहाँ हाई हाईकोर्ट जो है उसने पूरी तरह से रोक दिया हाईकोर्ट ने एक सीओ मोटू पी आई एल इस तरह से लिया है मतलब स्वतः संज्ञान इसका लिया और इस पूरी जो इनका प्रयास था कि इसके एरिया को हम कम करेंगे जैसे अभी देखोगे लगभग सेवन स्क्वायर किलोमीटर है तो इसको रिड्यूस करके थ्री स्क्वायर किलोमीटर तक करने की बात थी तो अभी हाई कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी हाई कोर्ट ने कहा है कि ये इंश्योर करो कि इस पूरे को इको सेंसिटिव जोन को मैनेज किया जाएगा इसलिए ये न्यूज़ है, है ना ये न्यूज़ इसलिए तो न्यूज़ तो इसलिए है कि जो इसको प्रोटेक्शन दे दिया है है ना ये सेंचुरी को छोटा नहीं करेंगे और लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन क्या बनेगा अच्छा ब्लैक बक है कहाँ मिलता है या ताल छापर सेंचुरी कहाँ पे है क्या ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम्स में बहुत बहुत पॉपुलर है ठीक है ये ध्यान रखेंगे आगे न्यूज पे हम आए उससे पहले एक क्वेश्चन आप करने का प्रयास कीजिए ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन रुचिकुला रिवर बीच रिमेन्स इन द न्यूज फॉर लॉन्ग टाइम इट इज सिचुएटेड इन बिल्कुल फैक्ट बेस्ड हो गया या मैप बेस्ड मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन रहते ही है दो तीन मैप बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर व्हाट शुड बी द आंसर हियर सिंपल सा पूछा है कि भाई ऋषिकुल्या रिवर जो है चर्चा में है कौन से स्टेट के अंदर पड़ती है तो ऋषिकुल्या रिवर है उड़ीसा में है क्यों न्यूज में रहती है ए इज द राइट आंसर जिन बच्चों ने ए किया है ना उन सबका आंसर सही है ये तो सब बच्चों ने कर दिया वेरी गुड एक्सीलेंट ठीक है न्यूज में क्यों है uh, न्यूज में इसलिए है यू हैव दैट अच्छा वो अब ये अरिबादा इन ऋषिकुल्या है ना ये करके अब आप हेडलाइन है ये इमेज उसमें दिया हुआ है

थाउजेंड्स की संख्या के अंदर ये हैं थाउजेंड्स ऑफ द फीमेल ऑलिव रिडे टर्टल्स कम टूगेदर ऑन द बीच टू ले देयर एग्स तो ये एक साथ यहाँ पे आएंगे है ना एक साथ और अपने लेग्स वगैरह एग्स वगैरह ले करेंगे तो उस कॉन्टेक्स के अंदर ये टर्म यूज की जाती है अरीबादा है ना अब और क्या ध्यान रखना है ये है ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में अगेन ऑलिव रिडले टर्टल कहाँ कहाँ मिल रहा है किस तरह से है क्या चीजें पूछी जा सकती है तो आप देखोगे अक्रॉस द वार्म वाटर्स है ना वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल वाटर्स हैं चाहे वो पैसिफिक अटलांटिक है इंडियन ओशन है हर जगह पे आपको मिलेगा ये हो गया हैबिटेट के रिगार्डिंग मतलब अराउंड द वर्ल्ड पूरे विश्व में ही मिल रहे हैं और इसमें एक और ध्यान रखना है ये सबसे छोटे आपके हैं साइज के अंदर स्मॉलेस्ट टर्टल स्मॉलेस्ट सी टर्टल सबसे बड़ा कौन सा होता है मतलब इतना बड़ा टर्टल आपने अगर कौन सा होता है पता है किसी को बहुत बड़ा मतलब साइज के अंदर आप इमेजिन नहीं कर सकते मतलब हम अगर पचास लोग भी इकट्ठे हो जाए उससे भी बड़ा वो टर्टल दिखेगा यू हैव दैट लेदर बैग सी टर्टल है ना वो सबसे बड़ा होता है अंडमान और इस एरिया के अंदर है तो ये सबसे छोटा हो गया सी टर्टल क्लियर एंटायर लाइव अपनी ओशन में बिताते हैं लेकिन अपने जो एग्स हैं उनको ले करने के लिए बीच पे आते हैं है ना बाकी सारी मैक्सिमम लाइफ इनकी ओशन के अंदर ही हाँ एक और डिफरेंस बताओ वो रैबिट वाली और टोर्टोज वाली कहानी सुनी है ना आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी है और हालांकि बचपन में उस कहानी को सुनते थे ना तो ऐसा लगता था कि हाँ चलो कहानी है कहानी है लेकिन आज उसको देखते हैं तो बहुत बहुत रेलेवेंट वो लगती है चीज़ क्यों क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली कर रहे हैं है ना कछुआ क्या है धीरे धीरे चल रहा था लेकिन वो चल रहा था रुका नहीं रेबिट ने क्या किया बहुत जो जोर से लगाया कि अभी तो सामने ही है चलो रेस्ट करता हूँ वो सोता रह गया और कछुआ पहुँच गया आज हम देखेंगे तो ये जो कहानी है ना बहुत प्रैक्टिकल हमें लगती है मतलब जितना हम चीज़ों को और आगे जानते हैं तो हम उस कहानी को और ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि देखो कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है है ना कि चीज़ों को रेगुलर करना चाहे आप दो घंटे पढ़ रहे हो चार घंटे पढ़ रहे हो लेकिन डेली डेली स्टडी करना अब आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम क्रैक होगा नहीं होगा या एग्ज़ाम पास आ रहा है डर लग रहा है वट इट इज़ या कोई प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रही है तो आप देखो क्या आप कंसिस्टेंट हो तो आप देखोगे हाँ कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी तो लैक करती है लेकिन जिस दिन आप कंसिस्टेंट हो गए लेटस से कि आप कम से कम थर्टी डेज़ तक लगातार कोई एक्सेप्शन हो तो ठीक है मान लो किसी दिन बिल्कुल ही नहीं कर पाए तो उस दिन भी टेबल पर बैठना है पाँच मिनट है ना उसको छोड़ना नहीं है वो एक रिचुअल हो गया क्योंकि अगर आप एक दिन का गैप दोगे ना तो आप देखोगे कैसे वो दो दिन होता है दो से पाँच पाँच से दस एक महीना निकल जाएगा फिर आप जागोगे अरे यार जल्द पढ़ना है मुझे इतना टाइम खराब हो गया तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे मुझे याद आ गया कि हाँ क्या आपको टोटोइज और टर्टल में डिफरेंस पता है ये तो हो गया टर्टल टॉटोइज क्या होंगे देखो टर्टल टोर्टोइज में डिफरेंस ये है कि जैसे टर्टल है ये तो क्या हो गया ज्यादातर वाटर के अंदर रहेगा जबकि टोटोइज जो होते हैं आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं ज्यादा पार्ट अपना लैंड पे ही गुजारते हैं मैक्सिमम क्लियर इन यू हैव इन वाटर बॉडीज में भी जा सकते हैं वो लेकिन उनका टेरेस्ट्रियल रहेगा और ये थोड़ा वाटर के अंदर ज्यादा रहेंगे ठीक है ये आपको ध्यान रखना है आई की रेड लिस्ट में वलनरेबल है यू शुड रिमेंबर दिस इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल वन में हो गया है ना जैसे अभी हमने वो ब्लैक बक किया था काले हिरन वैसा ही हैबिटेट थ्रीट परसेप्शन प्रोटेक्शन साइड्स के अपेंडिक्स वन के अंदर इनको प्रोटेक्शन दिया गया है ठीक है ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है अब इसमें देखो आ, सरकार यहाँ कुछ एफर्ट कर रही है इनको देख लेना कि जब भी ये नेस्टिंग इवेंट होती है है ना तो मछुआरों को ऐसे फिशिंग नेट दिए जाए कि ये कछुए फंसे नहीं या ये टर्टल्स फंसे नहीं क्लियर और लोगों को सेंसिटाइज किया जाए ये सब चीज़ें हैं है ना इस्पेशली डिजाइन नेट हो गए फिशिंग को उस समय पर बैन कर देंगे तो ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे आप देखोगे मेनली uh, उड़ीसा का ये रीज़न है तो अभी ऋषिकल्या रिवर हम कर रहे हैं वो ये वाला है, है ना ये रीज़न यहाँ पे इन्होंने कर रखा है मास नेस्टिंग इसके अलावा दो और रीज़न है और वो हैं आपके भीतर कनी नेशनल पार्क वाला ये और गहिर माथा सेंचुरी यूपीएससी ने इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं है ना तो ऐसा नहीं है कि पूछ लिया तो दोबारा नहीं पूछेगा बहुत सारे रिपीट होते हैं इवन सेम क्वेश्चन सेम फॉर्म में ही रिपीट हुए हुए हैं बट दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको क्या जानना है कि सर भीतर कनी का ये नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहिर माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दोनों को याद रखना है याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो न्यूज़ को वहीं तक पढ़ के नहीं छोड़ना है ये चीजें भी ऐड कर लेना भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहिर माथा बीच यू हैव दिस लोकेशन हियर तो स्टेट तो पता चली गया उड़ीसा है प्रोटेक्टेड एरिया है ये पता चल गया किस लिए जाने जा रहे हैं मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स ठीक है तो दिस इज मोर देन सफिशियंट रिगार्डिंग दिस न्यूज हाउ कैन एम आर एन ए वैक्सीन अच्छा एक मिनट ये न्यूज भी हम लेंगे ये देखो एक न्यूज़ है और इसमें इन्होंने बताया है कि जो नई स्पीशीज बन रही है देखो एक वर्ड होता है स्पेसिएशन स्पेसिएशन का क्या मतलब होता है नई स्पीशीज का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है है ना एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बन रही है तो वो इवोल्यूशन कैसे हो रहा है उसे हम कहते हैं स्पेसिएशन तो स्पेशिएशन मतलब नई स्पीशीज बनने की जो थ्योरी है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि न्यू स्पीशीज जो अराइव होती है उसके लिए हमारे पास ये एक डेटा आया है और ये डेटा सजेस्ट कर रहा है क्या सजेस्ट कर रहा है अराइज न्यू स्पीशीज अराइज नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम डिफरेंट एनवायरमेंट है ना ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर है एनवायरमेंट का डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट का जो प्रेशर है उससे वो अराइज नहीं हो रही है बट बिकॉज ऑफ प्रोलोंग्ड जियोग्राफिकल सेपरेशन है ना इन इकोलॉजिकली सिमिलर एनवायरमेंट ये कह रहे हैं कि सिमिलर एनवायरमेंट में जो आपका प्रोलोंग्ड सेपरेशन है पहले मान लीजिए दो स्पीशीज हैं एक ही जगह पर रह रही थी एक ही एरिया में अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने और हुए बहुत सारे ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन हो सकते हैं कि ये जो आपका एरिया है इसके अंदर क्या हुआ सेपरेशन हो गया सेपरेशन हो गया कुछ मेंबर इधर गए कुछ मेंबर इधर गए तो ये कह रहे हैं कि जो प्रोलोंग्ड ज्योग्राफिकल सेपरेशन है है ना सिमिलर एन्वायरमेंट में उसकी वजह से नई स्पीशीज हो रही हैं जनरली क्या थिंकिंग है उसको हम समझते हैं और ये किससे लिंकेजेज है ये लिंक हो रहा है आपका एलोपैट्रिक डाइवर्जेंस या एलोपैट्रिक स्पेशिएशन ये वर्ड ध्यान रखना इसको प्रॉब्लम्स में मेंशन करेगा एंड यू विल बी लाइक ये पहली बार हमने पढ़ा है कहां से आ गया बहुत डिफिकल्ट पेपर है तो इसको प्रॉब्लम्स में पुट करके इसके रिगार्डिंग ज़्यादा डीप नहीं जाएगा क्योंकि जनरल स्टडीज है आपसे कोई आपको कोई रिसर्च स्कॉलर बनाना नहीं है आपको बस जनरल अवेयर रखना है है ना वो अवेयरनेस आ जाएगी करंट अफेयर पढ़ने से क्लियर तो इसका क्या मतलब होता है देखो एलोपेट्रिक डाइवर्जेंस या एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का मतलब है जब पॉपुलेशन जो है जेनेटिक डिफरेंस एक्मुलेट करती है बाई प्रोडक्ट ऑफ स्पेशल आइसोलेशन मतलब अपना जो एरिया जहां पे वो रह रहे थे अब वो अलग हो गए एरिया उनकी जगह अलग हो गई वो जगह अलग होने से उनके अंदर क्या है जेनेटिक डिफरेंस हो रहे हैं जैसे ये दो बर्ड स्पीशीज डेवलप हुई अलग अलग बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया आपके सेपरेट हो गए तो फिर इनका जीन जो फ्लो है रिप्रोडक्शन हेम्पर होगा जीन फ्लो हेम्पर होगा और धीरे धीरे जो पॉपुलेशन के जीन पूल हैं जीन पुल भी डिफरेंट हो जाएंगे जब जीन पुल डिफरेंट हो गया तो स्पीशीज ही अलग हो गई ना तो उसके लिए ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन या एलोपैट्रिक डाइवर्जेंस वर्ड यूज कर रहे हैं तो जनरली जो थिंकिंग है वो क्या है कि आपके एरिया जगह अलग हुई जगह अलग हुई एन्वायरमेंटल हुआ अलग तरह के प्रेशर्स को आप फेस कर रहे हो वेदर कंडीशन टेम्परेचर एक्सेट्रा तो वो उस तरह से इवोल्यूशन अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग होता है तो जनरली थिंकिंग ये है कि हमारे पास में जो प्रेशर है एनवायरमेंटल प्रेशर है वो डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट स्पीशीज है ये रिसर्च क्या कह रही है ये रिसर्च ये कह रही है कि ज्योग्राफिकल सेपरेशन अगर बहुत ज्यादा है तो नई स्पीशीज आ रही है ठीक है तो एक माइनर सा डिफरेंस है लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कि एलोपेट्रिक डाइवर्जेंस क्या होता है या एलोपेट्रिक स्पेशिएशन क्या होता है जहाँ पे कोई भी जो स्पीशीज रह रही हैं अगर उनका ज्योग्राफिकल एरिया अलग हो जाता है वही सेम स्पीशीज अलग अलग जगह पे है तो अब वो अलग अलग करेक्टरिस्टिक डेवलप करके दोनों अलग स्पीशीज में बन जाएंगी ऐसा तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट अब आ जाएगा ये साइंस एंड टेक से आपका जुड़ रहा है तो इसको एनवायरमेंट की जगह आप साइंस एंड टेक में आप ऐड कर लो हाउ एम आर ए वैक्सीन कैन फाइट द कैंसर तो वैक्सीन पे आपने देखा होगा इस साल भी मेन्स के अंदर क्वेश्चन था प्रम्स में भी क्वेश्चन थे हमने कवर भी किए थे हम तो कवर दो साल से कर रहे थे लेकिन यू ने इस बार पूछा है ना 2020 से लगातार कवर ही चल रहा था यू पी ने इस बार इस तरह से क्वेश्चन को पूछा और ठीक है वो चीज़ें हेल्पफुल आपके लिए हुई हैं तो क्या यहाँ पे आपको जानना है लुक यू हैव दिस एम आर एन ए वैक्सीन तो देखो एम आर एन ए वैक्सीन का कोरोना में यूज़ हुआ है आप देखोगे फाइजर है मॉडर्ना के वैक्सीन है जो एम आर एन ए वैक्सीन है है ना uh, जो कि डेवलप किए गए हैं तो uh, ये, कह, रहे, ये कह रही है ये न्यूज़ कह रही है ये स्टडी इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि कैसे जो एम आर एन ए वैक्सीन है वो कैंसर स्पेशली जो स्किन कैंसर होता है है ना उसके अंदर भी हमें हेल्प कर सकती है एम आर एन ए वैक्सीन उसकी चर्चा यहाँ पे की है तो क्या हमें जानना है एम आर एन ए वैक्सीन क्या होता है कैसे बनता है हाउ दिस एम आर एन वैक्सीन इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल वैक्सीन अप्रोच क्लियर और ये फिर न्यूज के बारे में जो है तो देखो एम आर एन ए वैक्सीन को हम पढ़े उससे पहले सिंपल वैक्सीनेशन का तरीका हम जानते हैं वैक्सीन जो लगाते हैं उसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्या है मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है यहाँ पे किसी वायरस ने किसी पैथोजन ने अटैक किया है ठीक है पैथोजन ने अटैक किया है तो हमारी बॉडी क्या बन करती है एंटीबॉडीज बनाती है क्या बनाती है एंटीबॉडीज बनाती है हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं जो कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगी क्लियर तो अब हम क्या कर रहे हैं मान लीजिए अगर हमारी बॉडी किसी, किसी ने अटैक किया बॉडी के अंदर हम बीमार हो गए फिर उससे नहीं लड़ पाए सफिशियंट अमाउंट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं हुआ क्योंकि पहली बार अटैक है सरप्राइज अटैक है तो हम क्या करते हैं बॉडी को तैयार कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन हम क्या करेंगे वैक्सीन इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर क्या होगा जैसे मान लीजिए आपको वैक्सीन देना है फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ट बी वैक्सीन देना है ना टी के रिगार्डिंग या पोलियो का है किसी भी बीमारी का है ना तो उस बीमारी के लिए डिजीज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया वायरस है है ना उसको या तो आप डेड कर दो न्यूट्रलाइज कर दो किल कर दिया आपने उसको किल करके बॉडी के अंदर आपने इंजेक्ट कर दिया वो किल किया हुआ मरा हुआ अगर बैक्टीरिया वायरस जो भी आपका पैथोजन है वो बॉडी में जाएगा और बॉडी में बॉडी क्या करेगी उसको आइडेंटिफाई करेगी एंटीजन के रूप में और बॉडी अपनी एंटीबॉडीज बना लेगी उसके अगेंस्ट में तो हमने बॉडी को बता दिया कि आगे इसका अटैक हो सकता है आप अपनी तैयारी कर लो तो बॉडी ने अपनी तैयारी कर ली ठीक है अब दोबारा अगर वही पैथोजन अटैक करेगा हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी उसका प्रोटेक्शन करने में सक्षम है ठीक है उसको हमने बता दिया कि आपको कैसे लड़ना है इस तरह से तैयारी रखनी है तो ये हुआ एक तो हमने किल कर दिया इनएक्टिवेटेड फॉर्म है कुछ होते हैं लाइव वैक्सीन्स है ना लाइव वैक्सीन ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वाली जो अप्रोच है ये जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक का वो फॉलो करता है क्लियर एक होते हैं लाइव वैक्सीन लाइव वैक्सीन में क्या होगा हम उसको किल नहीं कर रहे हैं हम उसको क्या कर रहे हैं एक्टिनिवेट कर रहे हैं बहुत कमजोर कर दे रहे हैं उस वायरस बैक्टीरिया को हमने वीक कर दिया कमजोर कर दिया ताकि बॉडी में जाके वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेगा लेकिन बॉडी में गया है तो एंटीबॉडी बनेंगे और एंटीबॉडी बनते हैं हमारा काम हो गया कि नेक्स्ट टाइम तुम आओ हम तैयार हैं ठीक है थीके? जैसा अभी आपने देखा होगा इंडिया और चीन का जो हुआ था है ना जो अभी तवांग के अंदर जो इशू है उसका वीडियो आप सभी ने देखा ही होगा जो एल ए पे जो सिचुएशन थी वाकई में किस तरीके से इंडियन सोल्जर्स ने उनको घेर घेर के मारा है ना बहुत अच्छे से मतलब धुनाई की और फाइनली वो भाग गए सो समथिंग लाइक दिस ऐसा ये भी घेर के बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि आओ तुम हमारी तैयारी है जैसे इंडियन आर्मी की तैयारी है कि आओ है ना कितनी मार खानी सो दिस इज द आइडिया एम आर एन ए वैक्सीन एक नया अप्रोच के साथ आया और ये कोरोना के समय पे बहुत पॉपुलर हुई एम आर एन ए वैक्सीन क्या कहेगा कि ना ही तो हम किल किया हुआ ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं पैथोजन यूज़ कर रहे हैं ना ही वीक वाला हम इसको पैथोजन को यूज ही नहीं कर रहे हैं है ना सारा रिस्क ही हटा दो तो एम आर एन ए वैक्सीन क्या कहेगा ये कहेगा कि हम जो मैसेंजर आर एन ए हैं है ना एक ऐसा मैसेंजर आ रहे ने जिसको हमने क्या कर दिया कोडिफाई कर दिया एम आर एन ए को हमने कोडिफाई कर दिया किस चीज़ के लिए कि ये कैसी प्रोटीन बनाएगा बॉडी में जाके तो हमने इसको कोडिफाई किया कि आप बॉडी में जाना और आपको बॉडी में जाके स्पाइक स्पाइक प्रोटीन बनानी है सर ये स्पाइक प्रोटीन क्या है कोरोना का देखा होगा ना आपने ऐसा ऐसा बना होता है चित्र बना होता है इसका कोरोना की पिक्चर देखी होगी ऐसा वायरस तो ये जो है ना ये स्पाइक प्रोटीन है तो ये क्या करेगा एम बॉडी में जाके स्पाइक प्रोटीन बनाएगा स्पाइक प्रोटीन एंटीजन का काम करेगा कि देखो दुश्मन मैं हूं दुश्मन ठीक है ये तो फिर हम तैयारी कर लेंगे एंटीबॉडीज बन जाएगी बॉडी तो सारे रिस्क को हटा दिया बहुत बफरिंग और व्हाट आई थिंक वी आर लाइव है ना प्लीज गिव अ थम्स अप इफ वी आर लाइव एंड एवरीथिंग इज फाइन ग्रेट तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट की इसमें पूरी में चर्चा है तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए एम आर एन ए के अलावा और नॉर्मल कैसे प्रोसेस हैं तो दिस एम आर एन एज़ डिलीवर्ड इन टू द ह्यूमन बॉडी और जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या करेगा इस तरह की वायरल प्रोटीन्स फिर बनाना स्टार्ट करेगा क्योंकि मैसेंजर आ रहे हैं वही इंस्ट्रक्शन देगा और ये वायरस मालिक्यूल आपका जो भी है एंटीजन का, का काम करेंगे और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएंगी सो दिस इज़ द ओवरऑल ओके ये आपका क्या है पावर कट है अभी सो दिस इज़ द अब ये जो न्यूज है ये क्या कह रही है कि ये जो एम आर एन ए वैक्सीन हमने कोरोना में काम में ली थी ये क्या है कैंसर को फाइट करने में भी हेल्प कर सकती है और एक बहुत ही मतलब डेंजरस फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर है जिसको हम क्या कहते हैं वी कॉल इट मिलेनोम है ना ये डेंजरस फॉर्म ऑफ एक स्किन कैंसर है और ये जो मिलेनोमा है इसके केस के अंदर हमने इस अप्रोच को यूज़ किया तो ये कह रहे हैं कि ये एम जो वैक्सीन वाली अप्रोच है सेम अप्रोच हम क्या कर रहे हैं इसको यूज़ कर रहे हैं और ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को इस तरह से तैयार करता है कि ये क्या करेगा केवल कैंसर सेल को अटैक करेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा क्लियर क्योंकि कैंसरस सेल क्या होता है कैंसर होता क्या है बॉडी के अंदर क्या हो गई है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई है जो भी सेल्स वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा बन रही है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई है तो आप देखते हो ना कैंसर के ट्यूमर हो जाते हैं या जो भी तो इस स्थिति के अंदर ये क्या कर रहे हैं एम वैक्सीन के माध्यम से हम इन कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने मिले स्किन कैंसर में इसको यूज किया है हो सकता है दूसरे जो तरीके के कैंसर है वहां पर भी इसको यूज किया जा सके तो एक ऑप्टिमिज्म है होप है दिस इज अ गुड थिंग कि एम टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि तो कैंसर के ट्रीटमेंट में अगर इतनी सेफ टेक्नोलॉजी आ जाती है तो बहुत हेल्पफुल हो क्योंकि अभी तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है कीमोथेरेपी होती है इतने सारे साइड इफेक्ट हैं है ना और बहुत सारी चीज़ें हैं तो अगर एम वैक्सीनेशन वाली टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो फिर तो हो जाएगा कैंसर की जो डेथ रेट है मॉर्टेलिटी वगैरह है कैंसर से होने वाली उसको बहुत सिग्निफिकेंटली हम रिड्यूस कर सकते हैं है ना जो भी रिस्क प्रोफाइल है पेशेंट की उसके बेसिस पर टेस्ट करा लो सबके और उनको ये एमआरएनए की जो थेरेपी है वो दी जा सकती है तो दिस इज अ काइंड ऑफ गुड थिंग हाउर द थिंग्स विल टेक टाइम है ना कि किस तरीके से वो आती है इंडियन सोसाइटी या फिर केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक लेंगे कल भी मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है हुच डेथ हुच क्या होती है एक तरह की स्पूरियस है ना मतलब ऐसी शराब होती है जो बहुत ही क्रूड वे में एक तो होती है प्रॉपर इंडस्ट्री के अंदर बनाई जा रही है तो एक इस तरह से कोई भी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस इंडस्ट्री में या कोई भी स्पेसिफिकेशन क्वालिटी कंट्रोल नहीं है उसमें वो बना दी और आपका अगर उसके अंदर जहर है इन द सेंस क्योंकि Uh, होता क्या है शराब के अंदर ही तो होता है तो जनरली इथेनॉल होता है लेकिन प्रोसेस में अगर मीथेनॉल बन गया तो मीथेनॉल तो जहरीला होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के तो काम में आता है लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो जहर है तो वो अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो आपकी मौत हो जाएगी तो यहाँ पे बिहार के अंदर बता रहे हैं लगभग तीस से ज़्यादा लोग ऑफिशियल डेटा भी आई थिंक थर्टी एट कुछ है तो ये हुज कंज्यूम करने से इस तरह की गंदी शराब को पीने से ये जो है लोगों की मौत हो गई है अब यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन आते हैं एक तो पहले साइंस एंड टेक वाला पर्सपेक्टिव है वो अगर हम देख लें क्योंकि साइंस एंड टेक के ही कंटिन्यूएशन में हो जाएगा फिर इसको सोसाइटी पे लेंगे तो देखो एल्कोहल जो बन रहा है पूछ का मतलब हो गया पुअर क्वालिटी एल्कोहल और एल्कोहल बनाने का तरीका एक तो फर्मेंटेशन है है ना फर्मेंटेशन जैसे जो जो भी शुगर होगा आप देखते होंगे बियर वगैरह जो बनती हैं है ना तो इसके अंदर क्या होता है या तो यू हैव दैट बार्ले जो हो गया है ना या फिर राइस है तो ये जो ग्रेन्स है ये यूज़ किए जाते हैं शुगर केन है फ्रूट्स हैं ग्रेन्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं तो यीस्ट क्या है? करता है यीस्ट फर्मेंटेशन करता है फर्मेंटेशन जब वो कर रहा है उसका जो है शुगर का तो उस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है एल्कोहल बन रहा है इथेनॉल बन रहा है लेकिन इथेनॉल एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन तक ही बनता है उसके बाद उसके बाद में अगर एल्कोहल की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो वो टॉक्सिक होने लग जाता है किसके लिए यीस्ट के लिए तो यीस्ट क्या करेगा फर्मेंटेशन करना बंद कर देगा तो यहाँ पे बियर वगैरह बनाने का जो प्रोसेस है उसके अंदर तो फर्मेंटेशन काम कर रहा है लेकिन आपको जो काफ़ी पॉटेंट अगर एल्कोहलिक बीवरेज बनानी है मान लीजिए हम वॉडका के लिए जा रहे हैं विस्की के लिए जा रहे हैं तो उस प्रोसेस में क्या होगा डिस्टिलेशन का यूज़ होगा डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होगा आप जो आ, फर्मेंटेशन कर रहे हो कर रहे हो है ना फिर जिस तरीके से जो भी प्रोडक्शन जितना भी कंसनट्रेशन का एल्कोहल है वो बना तो आपने उसको क्या किया सेपरेट कर लिया तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकली सेपरेटिंग द एल्कोहल फ्रॉम द मिक्सचर डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकली सेपरेटिंग एल्कोहल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मिक्सचर इसमें क्या होगा एक बॉइलिंग पॉइंट होगा अलग अलग उसका होता है तो एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे उसको बॉइयल करके आप उसको एल्कोहल को सेपरेट कर लोगे और इस तरह से आप क्या करोगे एल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो जो आ, बहुत ही हार्ड ड्रिंक्स हैं मतलब जिनमें अल्कोहल कंसंट्रेशन ज़्यादा है उनको इस माध्यम से बनाया जाता है मतलब डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस तो फर्मेंटेशन फिर डिस्टिलेशन है तो आप देखोगे हुच वगैरह है तो इसको भी यहीं पे इस तरह से बनाया जाता है अब बिहार के अंदर क्या है ये क्या है बैन है ठीक है शराब जो है बंद है जैसा आप देखोगे गुजरात में गुजरात में तो बहुत लंबे समय से है और अगर आप देखेंगे और भी कुछ स्टेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ गुजरात बिहार के अलावा नागालैंड मिजोरम यहाँ पे क्या है बैन है एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये बैन है बंद है इस तरह से ओपनली उसको नहीं आ, सेल कर सकते हैं क्लियर ओपन उसको सेल नहीं कर सकते हो अब बिहार ने क्या कर रखा है ये बंद कर रखा है तो लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि शराब इस तरह से मिल नहीं रही है या तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ब्लैक में बिक रही है ये सब चीज़ें अब जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करेंगे इस तरह से ये लोकली प्रोड्यूस जो है है ना उसके ऊपर करेंगे अब इसमें क्या क्वालिटी कंट्रोल नहीं है तो कई बार इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं कि अगर टॉक्सिसिटी बढ़ गई तो कंजम्पन से मौत हो गई ये पहला इंसिडेंस नहीं है तो इसमें अब इशू क्या के आएंगे केस स्टडी या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखो सोसाइटी में तो आ जाएगा डी एडिक्शन का है ना अल्कोहलिज्म उससे रिलेटेड रिस्क क्या फायदे क्या फायदे तो क्या ये नुकसान ही है नुकसान क्या है कैसे इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं समस्या से छुटकारा पा सकते हैं नहीं पा सकते हैं वो केस स्टडी का भी पार्ट है तो अब आप देखोगे बिहार ने एक कानून बनाया बिहार प्रोविजन एक्साइज एक्ट और इसके अंतर्गत इन्होंने शराब को बंद कर दिया ओपन इस तरह से सेल नहीं होगी लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन ही प्रॉपर नहीं है क्यों इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है देखो कन्विक्शन रेट बहुत कम है ना कन्विक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कहाँ से गवाह लाओगे कहाँ से प्रूव करोगे नहीं करोगे वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है अब क्या हुआ इतने सारे लोगों को आपने शराब पीने के लिए वो कर दिया है ना जेल में बंद कर दिया जेल ओवर क्राउड होने लग गई तो इन्होंने क्या किया यार काम चलेगा नहीं इतनी तो जेलों में ही जगह नहीं है जितना लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो पी है तो आपको फाइन देके छोड़ देंगे ये चेंज किया लॉ को फॉर ऑब्वियस पर्पज क्योंकि जेल में इस तरह से चीजें कहाँ रहेंगी तो गवर्नमेंट ने अमेंड करके इस तरह से किया लेकिन अभी भी जेल के अंदर लगभग पच्चीस हजार लोग बिहार में इस तरह से वेट कर रहे हैं ना कि हमारा सुनवाई हो ये हो और इस तरह से जो भी हो तो इसके इंप्लीमेंटेशन में ही बहुत बड़ा चैलेंज है और आप ये कानून ला क्या आपने समस्या से छुटकारा पा लिया ठीक है तो आपको क्या पूछ सकता है क्या इस तरह के जो लॉज हैं वो वर्क करते हैं नहीं करते हैं क्या ये लॉज लाने चाहिए नहीं लाने चाहिए ये एक क्वेश्चन बनता है क्या आप सहमत हैं इस तरह से ये शराबबंदी करनी चाहिए और करनी चाहिए तो इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे बेहतर कर सकते हो है ना कितना ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये सारी चीज़ें अब देखो इसमें इश्यू ये है कि ये जो आपका है एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये स्टेट लिस्ट में आता है मतलब राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है और इसीलिए आप देखोगे अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून है जैसे इन स्टेटों ने बैन कर दिया कुछ ने नहीं किया कहीं पर ड्राई डे तो सब जगह ही चलता है तो ये सारे इश्यूज हैं क्योंकि स्टेट का लिस्ट में है इसलिए स्टेट अपने हिसाब से अपने हिसाब से इसको लॉ को बना रहे हैं नाउ द थिंग इज दैट आर्टिकल 47 को भी ध्यान रखना है आर्टिकल 47 क्या बात करता है कि कैसे हम न्यूट्रिशनल और ये सब एस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं है ना न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट इन सबको बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा ये बात करता है इंटॉक्सिकेशन को रोकने की है ना कंजपशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स शराब वगैरह है ड्रग्स है इससे कैसे निजात दिला सकते हैं तो ये हमारा डीपीएसपी पी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि राज्य सरकार इस पे मतलब जो भी है सरकार सत्ता में वो इस पे काम करे तो अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से काम कर रही है इस तरह की शराबबंदी करने का फ़ायदा क्या है देखो शराब शराब पीने के अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं है ना आप देखते हो ड्राइविंग क्रैश ड्राइविंग ड्रिंक करके ड्राइविंग और इन सब के या फिर ओवरऑल क्रिमिनल रेट को भी ज़्यादा देखा गया है ना तो क्राइम बढ़ता है जेंडर वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमने देखे हैं शराब पी के मारपीट करना ये सब चीज़ें क्लियर इकोनॉमिक स्ट्रेस की कंडीशन है पैसा नहीं है लेकिन शराब के लिए मारपीट की जा रही है पैसा लिया जा रहा है तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इसके फेवर में जाती है कि हाँ शराब जो है इसको बंद करना चाहिए है ना इस तरह के कानून ला के भी बंद कर दो तो अच्छी बात है लेकिन अब इस तरह के जो कानून लाए जा रहे हैं उनके साथ दिक्कत क्या है कानून बना दिया इसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है क्लियर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है कन्विक्शन नहीं है आपने देखा होगा एक केस था जहाँ पे एक अदालत ने तो सजा सुना दी थी कि इनको हूच वाली ट्रेजडी हुई थी और वहाँ पे फिर कोर्ट ने उनको बरी किया था इस तरीके से तो इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज है कि आप कैसे प्रूव करोगे हाँ इसने ये शराब को इस तरीके से किया है नहीं किया है तो सबसे बड़ा तो ये लूप होल है फिर जो प्रिवलेंट करप्शन है, है ना फिर आप देखोगे नेबरिंग स्टेट से आ रही हैं चीज़ें ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वो सब इश्यूज़ हैं पॉपुलिस्ट मीजर इसको माना जाता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं क्योंकि इनका इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है लेकिन ये पॉपुलिस्ट मीज़र है पॉपुलिस्ट मीजर इन द सेंस कि आप वोटर्स को थोड़ा चीयर वो कर रहे हो है ना उनको एक ये सिग्नल देना उनको बताना कि हाँ हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो so डेफिनेटली जो वुमेन वोटर्स हैं दे विल बी ओके फाइन विद दिस इनिशिएटिव बूट लेगिंग का इशू है कि हाँ आपने बैन तो कर दिया लेकिन अभी भी लीगल सब चल रहा है, है ना सब चल रहा है इस तरह से पीछे से एक ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और ये चल रहा है तो उसमें आप देखोगे मार्जिनलाइज जो पॉपुलेशन है है ना जो इतना एक्स्ट्रा पैसा देके या इस तरीके से नहीं कर सकते या तो वो इन ट्रेजडीज़ का शिकार होते हैं ये हूच वगैरह में जो हुआ है जुडिशियल बर्डन भी बढ़ रहा है केसेस पहले जुडिशरी के पास कम नहीं है क्लियर और फिर आप ये यह यहाँ पे जेलें भर रहे हो और फिर वो केस है तो ये सारी चीजें व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है देखो वे फॉरवर्ड इसमें ये है कि एडिक्शन रेट इतना ज्यादा है कि अगर आप बैन कर दो नहीं कर दो जिसको एडिक्शन है है ना वो कहीं से भी लेगा कैसे भी लेगा जैसा हूच ले ही रहे हैं ना लोग कंज्यूम कर रहे हैं लोकली मेड अब वो इस पूरी ऐसे इसलिए मर गए तो ये जो है एक आइडियल सॉल्यूशन हमें नहीं है ठीक है आप इस तरह से कर रहे हो दिस इज वन ऑफ द वे टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम बट दिस इज नॉट द आइडियल सॉल्यूशन व्हाट वी कैन डू द फोकस ऑफ द पॉलिसी मेकर शुड बी ऑन प्रोमोटिंग द मॉडरेशन एंड टेम्परेंस ठीक है मॉडरेशन टेम्परेंस को प्रमोट करना इस तरह से अवेयरनेस uh, और इसको इन चीजों को क्रिएट करना डी एडिक्शन के रिगार्डिंग जो एक पूरा सोशल सपोर्ट मैकेनिज्म है कम्युनिटी ड्रिवन जो प्रोग्राम्स हैं उसके माध्यम से जो अल्कोहल के एडिक्ट हैं है ना उनको रिहेबिलिटेट करना उनकी शराब वगैरह छुड़वाना ये सब चीजें तो वो थोड़ा सा हमें हेल्पफुल होगा अगर आपको ये लॉ लाना है तो लॉ के साथ करो ये सारे इनिशिएटिव करने पड़ेंगे क्योंकि अगर एडिक्ट का आप डी डी एडिक्शन नहीं कर रहे हो तो वो तो कहीं से भी लेगा कैसे भी मिल रहा है मारपीट करके मार के क्राइम करके ठीक है ये सब चीज़ें या फिर आ, ये हूज कंज्यूम्पन भी कर ही रहे हैं सो दिस हियर लाइज द सॉल्यूशन कि कैसे हम कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच के माध्यम से डी एडिक्शन को इंश्योर कर सकते हैं और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने एक कानून बनाया शराबबंदी की और सोल्यूशन हो गया सोल्यूशन होता तो फिर ये इशू क्यों होता और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन बनता है सोसाइटी के अंदर डी एडिक्शन हो गया वुमन रिलेटेड इशूज़ स्पेशली जेंडर वायलेंस एंड ऑल और केस स्टडी पर यह क्वेश्चन आपका बनेगा तो कुछ ध्यान रख लेना टॉपिक्स में जो हमने डिस्कस किया है दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट एक क्वांटम कंप्यूटिंग आपका बच रहा है वो हम कर लेंगे देखो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है एक तो नॉर्मल कंप्यूटिंग होती है जो सुपर कंप्यूटर वगैरह बन रहे हैं अब क्वांटम कंप्यूटिंग है एक तरह का जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके है ना आपकी कंप्यूटेशनल कैपेसिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है क्वांटम टेक्नोलॉजी मतलब हो गया जैसे जो क्वांटम फिनिनाज़ है जैसे एंटेंगलमेंट का मैं एग्जाम्पल दूँ तो इसमें क्या होगा जो भी फ़ोटोन्स हैं अगर वो इस तरह से ये दो पार्टिकल हैं ये एंटेंगल्ड हैं है ना तो यहाँ पे इसकी जो स्टेट होगी वही इसकी स्टेट होगी डजेंट मैटर कितना डिस्टेंस है तो इस प्रॉपर्टी को आप देखोगे क्वांटम कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है जिसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते है ना तो मिलिट्री कम्युनिकेशन उसमें क्वांटम कम्युनिकेशन का यूज़ हो रहा है तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है दैट्स है वी आर नॉट एबल टू टेक दैट पर्टिकुलर आर्टिकल इन टू क्लास सो विल बी एडिंग दैट आर्टिकल इन टुमारोज क्लास आज आपका ये हो गया है ये क्लास आपकी डेली रहती है आज थोड़ा हम लेट हो गए थे बाकी सवा सात बजे सात सवा सात हम इसको स्टार्ट करते हैं क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ मिल जाएगा ये टेलीग्राम चैनल है इसको नाम डाल के आप सर्च कर लेना मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड ऑन दिस टेलीग्राम हियर इसके अलावा अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हो कंप्लीट जो प्रिपरेशन है है ना वो अनकेडमी के साथ आप कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सब्सक्रिप्शन का टेलीग्राम पे भी लिंक होते हैं उस पर क्लिक करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज करेंगे एंड पुट द कोड आर बी एल आई वी वट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस कोड

तो जो फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कॉम्बैट के नाम से तो इसको लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं और कोड अगर मांग रहा है तो आर बी लाइव आप अप्लाई कर देना केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है केवल ऑप्शनल ज्वाइन करना है ये ऑप्शन भी आपको मिलते हैं और जीरो परसेंट ई ऑप्शन आपको मिलता है केवल सी का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका है तो दिस इज ऑल फॉर टूडे ऑल द वेरी बेस्ट गाइज ओके हैव है ग्रेट डे And if you find the session helpful, please do share the session. And don't forget to like and subscribe. Let's crack UPSC CSC. So have a great day. And God bless you all.